हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू DIY टेक विद अंकित। आज हम लोग आर्डिनो के बारे में जानेंगे और अगले कुछ वीडियो में हम आर्डिनो के बारे में पूरी तरह से जानकारी लेंगे कि इसे कैसे प्रोग्राम किया जाता है, इसे कैसे प्रोजेक्ट बनाया जाता है और इसका यूजेस कहां कहां है। पर क्योंकि ये पहला वीडियो है तो इसमें सिर्फ हम आपको आर्डिनो के मेन पार्ट्स के बारे में जानकारी देंगे। जैसे कि आर्डिनो एक माइक्रो कंट्रोलर है जिसका प्रोसेसर यहाँ है और ये सब उसके प्रोग्रामिंग बोर्ड पे कंपोनेंट हैं जिनका आर्डिनो को चलाने में बहुत ज़्यादा काम आता है। जैसे कि ये एक रीसेट बटन है, यहाँ पे ये एक रीसेट बटन है जो आर्डिनो जो प्रोग्राम है उसे फिर से रिस्टार्ट करने में या कोई प्रोग्राम रन कर रहा है उसको स्टार्टिंग से ऑपरेट करने के लिए हम रीसेट बटन का यूज़ करते हैं। ये एक चार्जिंग सॉकेट है, पावर सॉकेट है, प्रोग्रामिंग सॉकेट है। इसी के थ्रू हम प्रोग्राम करते हैं और इसे पावर भी देते हैं। इसमें वोल्टेज 5 वोल्ट्स का जाता है, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं दे सकते हैं। इस पोर्ट में टाइप बी लगती है जो USB A के साथ जुड़ी रहती है, जिसके थ्रू हम लैपटॉप की तरह से इसे प्रोग्राम कर सकते हैं। यहाँ पे एक और पावर पॉइंट है जो है 9 वोल्ट की, इससे सिर्फ पावर बोर्ड को दिया जाता है, ना कि इसके थ्रू प्रोग्रामिंग हो सकती है। यहाँ पे एक पावर वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है जो हाई वोल्टेज आती है, जैसे कि अगर 9 वोल्ट यहाँ से हम दे रहे हैं और किसी कारण से वो 10 वोल्ट हो रही है तो वो कन्वर्ट करके इसे 5 वोल्ट में ही बनाएगा, क्योंकि इसे इस बोर्ड में हमको 5 वोल्ट की ही ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इस बोर्ड में मैक्सिमम आउटपुट है 5 वोल्ट। ओके, इसमें एक क्रिस्टल ऑक्सीलेशन लगा रहता है जिसके थ्रू आर्डिनो टाइम को सेंस कर पाता है, कैलकुलेट कर पाता है। इसी की तरह ये समझ पाता है कि एक लाइट और दूसरे लाइट के बीच की जो टाइम डिफरेंस है वो कितनी होगी और कैसे काम करेगा। इसका नंबर है 16 MHz, यहाँ पे आप सी कर सकते हैं, देखिए जूम करके देख सकते हैं। और यहाँ पे एक एनालॉग पिन होती है जो यहाँ पे मेंशन है, एनालॉग पिन, ये A0 से लेके A5 तक होती है। इसका काम होता है कि जो एनालॉग सेंसर इसमें लगाए जाएंगे उन्हें रीड करना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अभी दो तरह के सेंसर उपलब्ध हैं, एक एनालॉग सेंसर होता है, एक डिजिटल सेंसर होता है। बट ये आर्डिनो प्रोसेसर एनालॉग सेंसर्स को डिकोड करके उन्हें डिजिटल सेंसर की तरह वर्क करने में काम करता है, इसलिए यहाँ पे एनालॉग पिन्स हैं और डिजिटल पिन्स हैं। डिजिटल पिन में यहाँ पे TX और RX है। TX मीन्स ट्रांसमीटर होता है और RX मीन्स रिसीवर होता है। अगर हम कोई भी रिमोट कंट्रोल प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर का उपयोग करते हैं। ओके, और यहाँ पे 14 डिजिटल पिन होती है। ओके, यहाँ देखिए 1 से लेके यहाँ पे 13 तक डिजिटल पिन होती है, बट ये 0 से काउंट होता है। ओके, यहाँ पे एक ग्राउंड है, ग्राउंड मीन्स नेगेटिव होता है, और यहाँ पे एक रीसेट पॉइंट भी है। अगर हम लोग का बटन ये काम नहीं कर रहा हो तो हम इसके थ्रू भी रीसेट कर सकते हैं, पर ये बाद की प्रोसेस है जो हम आपको बाद में बताएंगे। यहाँ पे पावर सॉकेट्स है, यहाँ पे एक ग्राउंड है, एक VIN है और एक और ग्राउंड है, और एक 5 वोल्ट है, एक 3.3 वोल्ट है। क्योंकि कुछ कुछ प्रोडक्ट में या सेंसर्स में वोल्टेज एक मिनिमम रहती है, लाइक 3 वोल्ट और 5 वोल्ट, तो अगर जिसमें 5 वोल्ट की ज़रूरत है वो 3 वोल्ट पे काम नहीं करेगा, इसलिए हम वहाँ पे 5 वोल्ट का उपयोग करेंगे। और सबसे मेन चीज़ जो आर्डिनो को वर्क करवाती है वो इसका IC है। इस IC का नाम है अटमेगा। ओके, अटमेगा इस IC का नाम नहीं है, अटमेगा जो कंपनी इसे बनाती है उसका नाम अटमेगा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अटमेगा लिखा हुआ है। ओके, ये बोर्ड आर्डिनो यूनो है और इसके तरह बहुत सारे आर्डिनो आते हैं, लाइक आर्डिनो नैनो, आर्डिनो माइक्रो भी आते हैं जो मेरे पास अभी नहीं है। अभी हम इसका केबल देखेंगे। केबल देखिए,
एक इस टाइप का केबल आपको इसके साथ ही मिलता है, या इसे आप बाई कर सकते हैं। इसमें ये देखिए, ये एक पोर्ट है जो पहले के कैमरास और प्रिंटर में उपयोग होते हैं, और ये यूएसबी पोर्ट है। इसको टाइप बी कहते हैं और इसको टाइप ए कहते हैं। इसको आप अपने लैपटॉप में कनेक्ट करके, इसमें कनेक्ट करके इसे प्रोग्राम कर सकते हैं। यहाँ पे एक AREF है, इसका मतलब होता है एनालॉग रेफरेंस। ये वोल्टेज जो 5 वोल्ट से ज़्यादा आता है उसके लिए ये काम करता है। यहाँ पे एक पावर LED दिया हुआ है जो इसे बताता है कि ये बोर्ड ऑन है या ऑफ है या रीडिंग मोड में है। रीडिंग मीन्स कहने का मतलब, जब हम इसे प्रोग्राम करते हैं तो ये ब्लिंकिंग मोड में चल जाता है, ओके। और फर्स्ट LED टेस्ट इसी के थ्रू होता है। यहाँ पे ट्रांसमीटर रिसीवर है, जो लाइट अगर कोई ट्रांसमिट होगा तो यहाँ पे लाइट ब्लिंक होगा, और रिसीव करेगा तो यहाँ पे लाइट ब्लिंक होगा। और इसमें और कुछ ज़्यादा कुछ तो है नहीं। यहाँ पे कुछ रेगुलेटर्स लगे हुए हैं, अगर वोल्टेज लो डाउन अप डाउन होता है तो उसे मिनिमाइज मैक्सिमाइज करने के लिए ये चीज़ होते हैं। इसमें इस टाइप के पोर्ट्स होते हैं जो कभी कभी सोल्डिंग मिलता है और कभी कभी नहीं मिलता है। इसमें 3 तरह के वायर्स यूज़ होते हैं। एक फीमेल टू फीमेल होता है जो इसमें नहीं पुट होता है, बट इसमें पुट होके एक सेंसर में लग सकता है। इसमें एक और वायर आता है जो होता है मेल टू फीमेल। या आप यहाँ पे कनेक्ट कर लिए और इसको किसी सेंसर या किसी चीज़ में भी उपयोग कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको बार बार सोल्डिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसलिए ये बिगनर एक प्रोसेसर है जो हर लोग यूज़ करता है। इसे मेल टू मेल कहते हैं और जंपर वायर भी कहते हैं। ये कुछ उपयोग में आता है जिसका, जैसे मैंने यहाँ पे TX पे लगा दिया, और कोई और सेंसर है जिसमें भी इस टाइप का पोर्ट है, आप उसमें इजीली पुट कर सकते हैं। और इस वीडियो पे आप अभी तो ये फर्स्ट वीडियो है इसलिए मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ, पर अगला वीडियो जो आने वाला है उसमें मैं इसमें आपको बताऊँगा, इसे ऑपरेट करके बताऊँगा कि कैसे इसमें एक प्रोग्रामिंग डाली जाती है और किसके थ्रू डाली जाती है। हाँ, मेरे पास लैपटॉप है जिसके थ्रू मैं आपको बता दूँगा कि इसे लैपटॉप से कैसे जानते हैं, क्योंकि बहुत लोग मोबाइल से जानते हैं डालने के लिए, पर बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। मुझे वीडियो पे कमेंट आता है कि मुझे आर्डिनो से यूज़ नहीं करने आता, मैं मोबाइल से तो ऑपरेट कर पाता हूँ पर लैपटॉप से इसको कॉन्फ़िगर नहीं कर पाता हूँ। तो मैं फ़र्स्ट आपको लैपटॉप ही से सिखाऊँगा कि इसे प्रोग्राम कैसे करते हैं, और इसकी कुछ प्रोग्रामिंग लिस्ट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।